ये जो मुआशी दहशतगर्दी हो रही है हमारे मुल्क में डॉलराइजेशन की सूरत में, ज़खीरा अंदोजी की सूरत में, इसके लिए लड़ने के लिए फोर्सेस इसके साथ हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमने यहाँ बताया है कि हमारे जो FTA साइन हुए हैं वो ज़्यादा चाइना के फेवर में जाते हैं। हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हमारी उनसे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। प्रेजेंटली सीरियस मसला है वो तो मईशत का है, इकानमी का है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की इश्यूज़ हैं, और उनको हल करने का एक ही तरीका है कि आप अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैनों को, ट्रेडर्स को एनकरेज ही ना सिर्फ करें बल्कि उनको फैसिलिटेट करें। प्रेजेंटली सीरियस मसला है वो तो मईशत का है, इकानमी का है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की इश्यूज़ हैं, और उनको हल करने का एक ही तरीका है कि आप अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैनों को, ट्रेडर्स को एनकरेज ही ना सिर्फ करें बल्कि उनको फैसिलिटेट करें। और फिर ये आप डिफेंस भी आपका मजबूत ज़्यादा होगा अगर मईशत मजबूत होगी, ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल के इस रिपोर्ट में सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल गयूम मलिक, सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान चाइना बिजनेस फोरम यूथ पार्लियामेंट, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल्स का प्याफ के चेयरमैन फहीमुर रहमान सहगल की दावत पर प्याफ ऑफिस का दौरा और एक्सपोर्टर से मुलाकात और एक्सपोर्टर से तजावीज़ ली। इनके हमरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अशरफ सलीम, सदर पंजाब एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, प्याफ के चेयरमैन फहीमुर रहमान सहगल, वाइस चेयरमैन ताहिर मंजूर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब में सज्जाद अफजल शेख, गुलाम सरवर हिजवेरी, मुबशर भट्ट, जिशान सुहेल मलिक, मलिक सादुल्ला, तारिक सलमान, अशफाक अहमद, मियां अकरम मेहर, मोहम्मद अबू बकर, सेक्रेटरी प्याफ अब्दुल सबूर, शबान अख्तर दरोगावाला के 40 मेंबरान, अब्दुल्ला उमर रमीज चाइना से आए मेहमान और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। निज़ाम टीवी से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम मलिक और चेयरमैन प्याफ फहीमुर रहमान सहगल का क्या कहना था आपको सुनाते हैं। प्रेजेंटली सीरियस मसला है वो तो मईशत का है, इकानमी का है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की इशूज़ हैं, और उनको हल करने का एक ही तरीका है कि आप अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैनों को, ट्रेडर्स को एनकरेज ही ना सिर्फ करें बल्कि उनको फैसिलिटेट करें। तो ये उस काविश में, इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठ के उन्होंने सारे पॉइंट्स सुने और कन्वे किए गवर्नमेंट को। आज मैं आया हूँ ये जो प्याफ के अंदर, ये भी एक ऐसा अदारा है जो इंडस्ट्री और ट्रेड की एक सोसाइटी है, जिस जो एक फ्रंट इन्होंने अपना बनाया हुआ है, और ये पिछले तकरीबन 95 से ये वजूद के अंदर हैं, 28 ईयर्स हो गए हैं, और ये बड़ा यूज़फुल काम कर रहे हैं। तो फहीमुर रहमान जो इसके सहगल साहब चेयरमैन हैं, मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने ना सिर्फ मुझे बुलाया बल्कि हमारे जो बिज़नेस के साथी हैं, जो चाइना पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के अंदर को चेयरमैन हैं या उनके ऑफिशियल्स हैं, उनको भी बुलाया, और फिर हमने साथ चाइनीज़ को भी रिक्वेस्ट की कि वो भी आएँ, क्योंकि चाइनीज़ यहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत से यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत से लोग यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं, इम्पोर्ट भी करते हैं। तो आज हमारा बड़ा फ्रूटफुल इंटरेक्शन हुआ है 2.5 घंटे का, जिसके अंदर बहुत से पॉइंट्स हमने नोट किए जो हम चाइना पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के थ्रू अपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी और कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ को भी कन्वे करेंगे, ताकि हमारा इंटरेक्शन बने बढ़े, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो तो वो स्ट्रांग हो। वो किसी ने कहा ना कि जिन्हें घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने, तो अगर आपकी मईशत मजबूत होगी तो फिर आपके पास बाहर से भी दुनिया में आपकी कदर में इजाफा होगा, और फिर ये आप डिफेंस भी आपका मजबूत ज़्यादा होगा अगर मईशत मजबूत होगी, ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक है। और टेररिज्म का तो आप फिक्र ना करें, हमने पहले इनकी कमर तोड़ी थी आपको पता है, और उस वक्त जब ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब इंचार्ज थे, टेररिज्म बहुत ज़्यादा था, और अभी तो इक्का दुक्का जो वाक़यात हो रहे हैं हम इनके पीछे हैं, खुदा के करम से ये रियासत के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए
और हमने जिस तरह ये लोग मेहनत करने के लिए लगे हुए हैं, अपनी जान निछावर करते हैं, जो दहशतगर्दी को रोका, इन्होंने हमारी फोर्सेस बॉर्डर पे भी अपनी खिदमात सरंजाम दे रही हैं। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी, ये जो मुआशी दहशतगर्दी हो रही है हमारे मुल्क में डॉलराइजेशन की सूरत में, ज़खीरा अंदोजी की सूरत में, इसके लिए लड़ने के लिए फोर्सेस के साथ हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, और जो भी हम अपना इनपुट दे सकते हैं, आज यहाँ चाइना पाकिस्तान बिजनेस फोरम के हवाले से भी दोस्त हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे, उनसे भी बात हुई, बैलेंस ऑफ ट्रेड पर बड़ी सेरा से गुफ्तगू हुई, हमने यहाँ बताया है कि हमारे जो FTA साइन हुए हुए हैं वो ज़्यादा चाइना के फेवर में जाते हैं, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हमारी उनसे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो हम अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए अपने जो है ये फैसिलिटेशन जो सेंटर बनाया है हमारी नई गवर्नमेंट ने, इसको यूटिलाइज़ करते हुए हम अपनी एक्सपोर्ट चाइना के अलावा दूसरे मुल्कों में बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। व्हाट डज इट टेक टू ड्रीम, टू एस्पायर, टू बी बेटर एवरी डे? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.